भारत की मिट्टी और बिहार की लिट्टी का कोई जवाब नहीं। तो आइए मिलते हैं भैया जी से। हेलो भैया। हेलो, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। तो आपने लिख रखा है भारत की मिट्टी और बिहार की लिट्टी का कोई जवाब नहीं। हाँ। तो क्या आपने यहाँ इंदौर वाली जो लिट्टी है वो बिहार से अलग है? बहुत ही अलग है। बहुत ही अलग है। हाँ। तो क्या अलग है भैया इसमें? इसमें आपका टेस्ट बिहार से बहुत ही अलग है। बिहारी लोग भी आते हैं। बिहारी लोग भी आते हैं? हाँ, और काफी तारीफ करके जाते हैं। तारीफ भी करते हैं? यहाँ जैसा टेस्ट मतलब बिहार में भी नहीं मिलता है। ओके, काफी अच्छा टेस्ट है। तो ये सब बनाना कहाँ से सीखा आपने? ये अपने बड़े भैया से सीखा था। बड़े भैया से सीखा था? तो बड़े भैया नजर नहीं आ रहे कहीं पे? बड़े भैया अभी बाहर है। बाहर है? हाँ। तो अब क्या क्या रेट रहता है अपने पास प्लेट? अपना 50 रुपए प्लेट रहता है। 50 रुपए प्लेट रहता है। कितनी लिट्टी रहती है उसमें? 2 लिट्टी। तो लगाइए भैया एक प्लेट। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एकदम से, यहाँ पर मतलब यहाँ पर कोई कोयले वोयले का यूज नहीं किया जाता है भैया? नहीं नहीं, कोयला यूज नहीं करा जाता। और पत्ते भी आपने काफी ज्यादा पुराने और ट्रेडिशनल ले रखे हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है भैया? इसमें ज्यादा टेस्टी रहता है और ये डिश इसी में दी जाती है। अच्छा, इसमें टेस्टी ज्यादा बनता है। हाँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये बैंगन का भरता आ चुका है और प्याज है और थोड़े से सैलेड है। और ये चटनी खुद की होती है अपनी? हाँ, ये खुद की है। चटनी खुद की होती है। देने का तरीका भी काफी पुराना है और ट्रेडिशनल तरीके से बिहारी स्टाइल में दे रहे हैं। तो ये बिहारी स्टाइल में देने का तरीका कैसे आया भैया? ये सर भैया से ही सीखा था। भैया तरीका कैसे आया कि पत्तल में देना है? नॉर्मल पत्ते भी तो दे सकते हो? नॉर्मल नहीं चलती ना सर। नॉर्मल नहीं चलती, मतलब लोगों को बिहार की स्टाइल में लिट्टी चोखा खिलाना है। पत्तल देख के आते हैं अधिकतर लोग। अच्छा, पत्तल देख के आते हैं लोग, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और पत्तल में आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ भाई साहब, बहुत बेहतरीन पत्तल है। इसे ढाक के पत्ते कहते हैं भाई, एक एक पत्ते को जोड़ के पत्ता बनाया गया। ये पत्ते महंगे पड़ते हैं, सस्ते पड़ते हैं पुराने वाले पत्ते से? सस्ते ही पड़ते हैं। सस्ते ही पड़ते हैं, क्या बात है। मतलब हाइजीन और इन्वायरमेंट का भी काफी ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। बहुत बेहतरीन। और इंदौर शहर तो वैसे भी स्वच्छता के मामले में काफी नंबर 1 है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आप देख सकते हैं स्वच्छता यहाँ पर बहुत सारी है। स्वच्छता भाई बहुत ज्यादा है यहाँ पर, नहीं मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा स्वच्छता है। तो एक प्लेट में कितनी लिट्टी आने वाली भैया? 2 लिट्टी आने वाली है। तो एक एक करके यहाँ पर लिट्टी यहाँ पर सीखते रहते हैं। और यहाँ पर घी रखा हुआ है आपने, घी भी खुद निकालते हो क्या? ये बटर है। ये बटर है, सॉरी बटर है, ये घी नहीं है। और यहाँ पर आ गया भाई घी, और एकदम लिट्टी को डिप किया जाएगा पूरे बटर के अंदर। बहुत बेहतरीन। तो एकदम बिहारी स्टाइल में देने वाले हो भैया? तो 2 लिट्टी आएगी इसमें? नहीं, इसमें 2 लिट्टी। क्या बात है, अभी ग्राहक थोड़े कम लग रहे हैं, क्या बात है भैया, इसका क्या असर है? मतलब अभी सर क्राउड थोड़ा कम है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन यही है कि अभी लोगों का टाइम नहीं हुआ घर से। अच्छा, लोगों का टाइम नहीं हुआ घर से निकलने का, वगैरह की छुट्टी नहीं हुई। ये आपकी प्लेट लग के तैयार हो गई है सर? ये भाई हमारी लग के प्लेट हो चुकी थी यार, बिहारी स्टाइल में प्योर इंदौर के अंदर में। तो प्राइस क्या रहने वाला है भैया इसका? 50 रुपीज। ओनली 50 रुपीज। और इसको खाने के लिए एड्रेस भी बता दो एक बार। मेघदूत चौपाटी विजय। भाई यूं तो लिट्टी चोखा पूरे भारत में फेमस है, लेकिन बिहार का जो फेमस है वही टेस्ट भाई लेके आ गए इंदौर के अंदर में। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी प्लेट यहाँ पर लग के हो चुकी है तैयार। यहाँ पर भरता है, चटनी है, और लिट्टी को बिल्कुल पूरे तरीके से घी में डुबो दिया गया है। और प्याज है, सैलेड है। तो फटाफट आइए, आपको टेस्ट बताते हैं इसका है कैसा, बिहार वाला ही टेस्ट आ रहा है या फिर कुछ और टेस्ट आ रहा है, देखते हैं सबसे पहले ट्राई करके। और हमने भाई एक लिट्टी की यहाँ पर बाइट तोड़ ली है, छोटी सी, पेट भरा हुआ है, ज़्यादा नहीं खाएंगे, बस टेस्ट ही देखेंगे कि टेस्ट इसका है कैसा। तो फटाफट डिप कर लेते हैं भाई इसको एकदम भरते के साथ। भरता ही है ना भैया ये तो? हाँ। क्या बात है, बहुत बेहतरीन है भाई। थोड़ी सी ठंडी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लिट्टी गर्म है, भाई सबसे पहले जो फ्लेवर आ रहा है ना भाई, मसाले का आ रहा है, मसाला बिल्कुल कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट आई थिंक वैसा ही है जैसा बिहार का था, लेकिन एक बार और बाइट लेते हैं भाई और दोबारा आपको समझाता हूँ और अच्छे तरीके से। भाई दोबारा अपनी बाइट एक तैयार कर लिया, देखते हैं। भैया बता रहे हैं इसके अंदर, बिहार के अंदर तो सबसे ज़्यादा चलित में जो चीज़ें हैं ना खाने पीने में, सरसों है। सरसों को अक्सर सारी सब्जियों में यूज़ किया जाता है। सरसों का फ्लेवर बहुत तगड़ा वाला आ रहा है, एकदम गले तक उतर रहा है बिल्कुल।